इनकम टैक्स को लेकर बजट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, यानी पिछले साल की ही तरह आपको इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलेंगे। टैक्स स्लैब में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नमस्कार, मैं आदित्य हूँ और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। उम्मीद थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 80,000 कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ATC के तहत मौजूदा समय में मिल रही 1.5 लाख की राहत में भी इजाफे की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि 75 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के पेंशनर्स को जरूर राहत दी गई है। इन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा, इनका टैक्स बैंक ही TDS के तौर पर काट लेगा। अब आते हैं टैक्स फाइल करने के विकल्पों पर। इसमें पिछले साल आपको दो विकल्प मिले थे, नया और पुराना, वही जारी रहेगा। सालाना 2.5 लाख तक की इनकम पर दोनों विकल्पों में कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर दोनों विकल्पों में 5% टैक्स। 5 लाख से 7.5 लाख की इनकम पर पुराने विकल्प में 20% और नए विकल्प में 10% टैक्स। 7.5 लाख से 10 लाख की इनकम पर पुराने विकल्प में 20% और नए विकल्प में 15% टैक्स। 10 लाख से 12.5 लाख की इनकम पर पुराने विकल्प में 30% और नए विकल्प में 20% टैक्स। 12.5 लाख से 15 लाख की इनकम पर पुराने विकल्प में 30% और नए विकल्प में 25% टैक्स। और 15 लाख से ऊपर की सालाना इनकम पर दोनों विकल्पों पर 30% टैक्स देना होगा। ये तो हो गया टैक्स। अब आते हैं टैक्स की गणित पर। अगर आप पुराने विकल्प में दी जाने वाली किसी छूट का इस्तेमाल नहीं करते और आपकी इनकम 10 लाख है, तो पुराने विकल्प में 75,400 रुपये और नए विकल्प में 78,000 टैक्स देना होगा। अगर इनकम 15 लाख है तो पुराने विकल्प में 2,10,000 रुपये और नए विकल्प में 1,95,000 रुपये टैक्स देना होगा। इनकम 25 लाख है तो पुराने विकल्प में 5,22,600 रुपये और नए विकल्प में 5,07,000 रुपये टैक्स देना होगा। और अगर इनकम 50 लाख है तो पुराने विकल्प में 13,02,600 रुपये और नए विकल्प में 12,87,000 टैक्स देना होगा। जाते जाते यह भी जान लीजिए कि आपके टैक्स से सरकार कितना कमाती है। 2012-13 में देश में 3,80,00,000 टैक्स पेयर थे, जो मिलकर 2,00,00,000 रुपये टैक्स देते थे। 7 साल बाद यानी 2020-21 तक टैक्स भरने वाले 94% बढ़कर 5,95,00,000 हो गए और टैक्स कलेक्शन 215% बढ़कर 6,38,000 करोड़ हो गया। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।